हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द गिर्द रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहे। आज मैं 2 दफ़ा लाइव जाना है मुझे, और आज स्पेशली मैं इसलिए लाइव आई हूँ ताकि मैं आज बात कर सकूँ ई कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आप जानते हैं कि ई कॉमर्स पे हमारे पाकिस्तान में बहुत चंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनमें से एक बहुत ही खास गेस्ट आज मेरे साथ हैं और आप उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मैं उन्हें इस लाइव वीडियो में शामिल करती हूँ, तब तक आप गेस्ट करें हमारे साथ कौन है। वो अपने नाम के साथ ई कॉमर्स वाला लगाते हैं और उन्हें ई कॉमर्स उनसे उन्हें इस चीज से मोहब्बत है कि वो लोगों के ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं वो डिवेल्प करें करवाएं। तो उनसे पूछेंगे वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ हैं उस्मान चुगताई साहब। सो ही इज जस्ट वेरी अडोरेबल ह्यूमन बीइंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, वालेकुम अस्सलाम राबिया, थैंक यू सो मच राबिया। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हम आपसे ई कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। आपको मैंने देखा कि आप पहले काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहे हैं, और थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं पहले हमें, ताकि हम समझ सकें कि कॉन्फ्रेंस होती क्या है और फिर इसके फवाइद क्या हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा राबिया, और हमें जिस तरह अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर भी हमें फरमाते हैं ना कि अल्लाह निशानियां हैं, हर चीज़ में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझ और बूझ रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। तो जब तक इंसान ट्रैवल नहीं करेगा, जब तक अल्लाह की बनाई दुनिया नहीं देखेगा, तब तक हम लोग शायद ना अपने रब को पा सकें, ना अपने आप को पा सकें, ना अपने जिंदगी के मकसद को पा सकें। तो यही वो जुस्तुजू है जो हमें दुनिया के अंदर लिए लिए फिरती है। इंसान सदियों से दुनिया में घूमता आया और रीजन तलाश करता आया कि वो इस दुनिया में क्यों आया। तो ये जो रीजन है यही हमें गली गली कूचों कूचों लेके फिरती है। और मैं क्योंकि जिस दौर के अंदर मेरी पैदाइश है, इंडस्ट्रियल जो दौर है 70s के अंदर वो अपने अरूज के ऊपर था, और जब मैं कॉलेज के अंदर गया उस वक्त इंफॉर्मेशन एज की इब्तदा थी। तो ये सफर जो मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहा, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहा, इसका कोर मकसद ये था कि मैं उस पूरी फाउंडेशन को समझ सकूं कि किस तरीके से आज की जदीद दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, ताइवान के अंदर, चाइना के अंदर, किस तरीके से उन अकवाम ने अपनी तरक्की की बुनियाद डाली, किस तरह से उन ममालक ने चंद सालों के अंदर अपने रेवेन्यू को, अपनी तरक्की को, अपनी ग्रोथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर लिया। तो ताकि हम लोग उस चीज को सीख सकें, मैंने कहीं से सीखा पढ़ा कि अगर आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को कॉपी करना शुरू कर दो, किसी कामयाब शख्स की कॉपी करना शुरू कर दो, तो यकीनन आप भी कामयाब हो सकते हो। तो ये सिंपल कॉपी की कोशिश है। हम लोग आज थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं। आज पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है, बेशुमार इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं उनके बजट से हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कम है। आज हम लोग पूरी दुनिया के अंदर गरीब कहलाते हैं। दुनिया का कोई शख्स जो है हमें मुल्क जो है हमें वीजा नहीं देना चाहता। दुनिया का थर्ड या सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट समझा जाता है। और खास तौर के ऊपर जो आपने बात की कॉन्फ्रेंस करवाने की, तो आज जब से ये जो कोरोना है और ये जो पोस्ट कोरोना टाइम हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर दुनिया बिल्कुल बदलने जा रही है। हम लोग आज से
कुछ अरसा पहले जो लोग ग्लोबल वर्ल्ड को, दुनिया को नहीं समझ पाते थे, आज इस चीज को शायद वो समझ पा रहे हैं। जो लोग समझते थे कि स्कूल चलते रहेंगे, कॉलेजेस चलते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज चलती रहेंगी, हमारी फैक्ट्रीज इसी तरह चलती रहेंगी और जमाना एक नए दौर के अंदर दाखिल नहीं होगा, आज बहुत सारे लोगों को ये चीज नजर आना शुरू हो गई है। आज आपकी जो दुकान है, जो किसी बड़े मेजर आप समझ लो पॉइंट के ऊपर है, किसी मेन रोड के ऊपर है, किसी बहुत एक्सपेंसिव टावर के अंदर है, वहां पर आपकी शॉप, आपका ऑफिस और आप अपने घर के अंदर बैठे हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप आज अमेरिका नहीं जा सकते हो, अमेरिकन पाकिस्तान में नहीं आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो ये एक आप समझ लो कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, ये हमारी फिलॉसफी को आज पूरी तरह सपोर्ट करती है कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि जब पाकिस्तान के हर नौजवान को ई कॉमर्स सीखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, अपने आप की मार्केटिंग सीखनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी फैक्ट्रीज की प्रोडक्ट्स जो मेड इन पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान में चीजें बनती हैं, उनको पूरी दुनिया के 7.6 बिलियन लोगों तक पहुंचा सकें और ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकें, बल्कि दुनिया में जिस शख्स के जहन के अंदर भी ये ख्याल आता है कि उसने कोई प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, उसने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया से बेस्ट मार्केटर्स अगर कहीं से मिलें तो उसकी जो प्लेस है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। और जो आखिरी सवाल का आपका हिस्सा था कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों करवाना चाह रहा हूं, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस जो है ये एक मेला है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, टॉप के एक्सपर्ट्स होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वहां पर यूथ आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे और उनसे सीखेंगे और उन प्रैक्टिसेस को जाके अपनी अपने रीजन के अंदर, अपनी अपनी कंपनीज में जाके करेंगे और अपनी कंपनीज को अपलिफ्ट करेंगे। अगर कोई एक शख्स किसी भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ परसेंट इंक्रीज कर सके कुछ टूल्स को और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के बाद, तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर कुछ हजार डिजिटल मार्केटर्स प्रोड्यूस कर लिए जो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी रखते हों, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बुनियाद हम लोग एक ऐसे डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद डाल देंगे जहां पर हम लोग बहुत से ब्रांड्स बिल्ड कर सकेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं और अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा ख्वाब है, सपना है, जिसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द मिल के उसको उसको ये अचीवेबल है, उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जान के खुशी हुई आपके तासुरात इस पे। तो अब पहले तो ऐसा होता था ना कि फिजिकली आप जाके और सबको एक जगह इकट्ठा करके और कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस की शक्ल देते थे, जहां बहुत से आप बाहर से स्पीकर्स बुला लेते थे, कुछ आपके अपने कौमी स्पीकर हो जाते थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट होते थे, बाकी जो उस इवेंट में इंटरेस्टेड होते थे वो लोग होते थे। तो अब आप ये फिजिकल लेवल पे कराने जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पे तो कराना मुमकिन नहीं है, तो ये मैं जानना चाहूंगी आपके इस बयान के बारे। आज एक कॉन्फ्रेंस करवाना, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में ये आइडिया ही नहीं है कि कॉन्फ्रेंस क्या है। यहाँ पर तो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर बस बच्चे जाते हैं और उनके सिर्फ दिमाग में एक है डिग्री मिलनी है। भाई जब डिग्री लेने जाएंगे तो कोई शख्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मोज कान एक दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है, मोज, उसकी SEO कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम लोग मोज कान बोलते हैं। मोज कान की जो राबिया फीस है 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस की, वो मिनिमम $2,000 थी। $2,000 से मिनिमम उसकी फीस स्टार्ट होती थी और जो $4,500-4,000 तक जाती थी 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस की, और उसमें पूरी दुनिया से हजारों लोग आते थे, वहां पर हजारों जो है लोग आते थे और
बहुत से टॉप स्पीकर्स को आके सुनना चाहते थे, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहते थे, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वो 3 दिनों की ट्रेनिंग्स का या उस कॉन्फ्रेंस का पे करते थे, प्लस ट्रैवलिंग अलहदा से, होटलिंग अलहदा से। मीन्स कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक आम डिजिटल मार्केटर को 5 से 7 हजार डॉलर्स के अंदर पड़ती थी। तो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं मोजकान को अटेंड करूं, मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, मैं सोच रहा था मोजकान अटेंड करूं। अभी मैंने देखा कि मोजकान की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वो $4,000 की नहीं, $2,000 की नहीं, सिर्फ 180 या 190 डॉलर्स के अंदर आपको अवेलेबल है। ऑलराइट, तो यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक जो कॉन्फ्रेंस है, जो कंपनी है जो $4,000 लेती है, $2,000 लेती है पर सब्सक्राइबर, राइट, वो $4,000 या $2,000 से किस तरह से जस्ट 180 या 190 के अंदर वो सारी की सारी टूल्स सिखाने जा रही है जो आपको पहले बहुत सारे पैसे दे के आपको देखने पड़ते थे या आप सीख सकते थे। तो इसका जो राबिया, जो जब आप वर्चुअल चले जाते हो तो आपकी एक्सपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं रहती। आप देखें, आपने कॉन्फ्रेंस करवानी है, आपको बहुत सा एक फिजिकल हॉल जो है वो लेना, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उस हॉल के अंदर बहुत से लोग आपको हायर करने पड़ेंगे, उन लोगों को आपको पे करना है, उस हॉल का आपको पे करना है, उसके बाद वहां पर पार्किंग का आपको पे करना है, फिर जो आपके ट्रेनर्स आ रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए, आपने उनकी टिकटिंग पे करनी है, उनकी अकोमोडेशन पे करनी है, फिर उनको पे करना है। अब क्या है आपके लिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करवाना, आप ये समझो कि अगर पहले एक कॉन्फ्रेंस करवाने के ऊपर आपकी कास्ट 5 मिलियन थी, राइट, आप उसको जस्ट 100,000 के अंदर करवा सकते हो। मींस के 50 times से या से भी लेस आपकी जो है आज उसकी कास्ट हो चुकी है। सो मैं ये समझता हूं कि दैट्स द राइट टाइम। इस तरह भी पाकिस्तान टेक कॉन्फ्रेंस चल रही है इस टाइम 2 माह के ऊपर, मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा आप उसको भी सब्सक्राइब करो, जाके देखो, ये एक नया ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में शुरू हो रहा है। और हमें इसको, अगर ई कॉमर्स को हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है जिसको पाकिस्तान का हर नौजवान इसको समझे और उसके मुताबिक अपना ब्रांड, अपनी कंपनी बिल्ड करे और दूसरी कंपनीज को सर्विसेज देने के काबिल हो, तो हमें इस कॉन्सेप्ट की प्रमोशन करनी पड़ेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से उन्होंने कंपनीज को हेल्प आउट किया ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने में, अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल करने में, अपनी गूगल के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस बेटर करने में, अपने रैंक्स को हाई जो है अप करने में, या गूगल जिस तरह एडवर्ड्स है, गूगल मार्केटिंग को यूज करते हुए इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के अंदर। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह अजीज उन तमाम लोगों को हेल्प करेंगी जो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पूरी दुनिया की मंडियों में बेचना चाहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसे मार्केटर्स प्रोड्यूस कर सकें जो वो अहलियत रखते हों जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज की जरूरत बनने जा रही है। ऑल राइट राबिया, अब मेरे ख्याल से राबिया जी, राबिया अवेलेबल नहीं है, मीनवाइल राबिया हमें रीज्वाइन करती है। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना चाहूंगा। खैर, तो मैं आप सब लोगों से अर्ज करता चलूं, वो तमाम लोग आप आज क्वारंटीन के अंदर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है, आप अपने घरों में बैठिए, पाकिस्तान टेक कॉन्फ्रेंस जो है इस टाइम हो रही है, आप उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और देखो कि आने वाली दुनिया के तकाजे क्या हैं और जदीद टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से
अडॉप्ट करके हम लोग अपनी कंपनीज को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप लोगों में से जो शख्स ये समझता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स के अंदर किसी भी लेवल की एक्सपर्टीज रखता है और वो लोगों को सिखा सकता है, आप प्लीज हमारे साथ रابطہ कीजिए। हम लोग आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे, हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वो बेहतरीन तरीके के अंदर बेहतरीन लोगों तक पहुंचाई जा सकें, ताकि आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सके अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब हम लोग एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिस इवेंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आए, इस इन जदीद टेक्नोलॉजीज को समझें, ई कॉमर्स को समझें, डिजिटल मार्केटिंग को समझें, एसईओ टूल्स को समझें, गूगल की पावर को समझें, कीवर्ड की पावर को समझें कि किस तरीके से एक कीवर्ड के ऊपर आप अगर नंबर वन रैंक करते हो तो किस तरीके से एक कीवर्ड के ऊपर नंबर वन रैंक करने से एक दिन में आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ऑर्डर्स ले सकते हो। तो इन तमाम चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर ये भी एक बहुत सी जो है कंप्लेन आ रही है कि मार्केट में अच्छे एसईओ एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर बहुत से ऐसे लोग आए जो अपना नॉलेज शेयर करें और बहुत सी ऐसी कंपनीज आए जो बहुत सारे अच्छे एसईओ के साथ एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर कर सकें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें, ताकि एक मंडी का वजूद जो है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग मंडी का वजूद जो है वो हम लोग उसको वजूद दे सकें। जी राबिया, अच्छा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था तो मैंने जगह चेंज की है। अच्छा तो अभी आप बता रहे थे तो मैंने थोड़ा सा सुना, लास्ट पार्ट सुना कि किस तरह ये कॉन्फ्रेंस होती है मदद करती है लोगों को और रिसोर्सेज को ना सिर्फ एक्सपेंड करने में बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो वर्चुअल जो वर्ल्ड है वाकई ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल भी है, लो कॉस्ट भी है और आसान भी है। तो अच्छा एक सवाल यहाँ है कमेंट्स में से कि यहाँ मतलब स्पीकर कौन से होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सर व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी सप्लाई चेन सर्विसेज एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दें राबिया। दूसरे क्वेश्चंस का जो अब्दुल रशीद साहब ने पूछा उसको यहाँ पर, उसके लिए हम लोग एक अलहदा से सेशन कर सकते हैं। जहां तक स्पीकर्स का ताल्लुक है, जिस तरह मैं अपने आप को बोलता हूँ कि वो अंधों में काना राजा, तो अभी तक मेरे पास कोई बहुत लार्ज पूल ऑफ एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है। हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की, वो 11, 12, 13 और 14 तारीख अगस्त की में करवाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद 14 अगस्त 2020 में रखें, और उससे पहले हम लोग प्री कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज करेंगे 2 माह के लिए, और उसके अंदर हम लोग बहुत से एक्सपर्ट्स को ढूंढना चाहेंगे। अगर आपको लगता है, इस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, कि आप किसी भी ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो या आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, तो प्लीज इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें ऐसे बहुत से स्पीकर्स की जरूरत है। आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर हमें भेजिए या आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना टॉपिक बताइए, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को आप चाहते हो कि लोग सीख के आज की इस जदीद दुनिया के अंदर मनी जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग जरूर आपको एज ए स्पीकर लेना चाहेंगे। जी हसन शाहिद साहब, इवेंट का लिंक भी आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। अभी हम लोग प्री जो कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज के ऊपर तवज्जो देंगे आपको इंशाल्लाह अजीज। रोज हम लोग लाइव जाएंगे, रोज कोई ना कोई एक्सपर्ट किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और आपको रजिस्ट्रेशन भी जल्दी
रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे उनकी भी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, कौन सा स्पीकर किस पे बात करेगा इसकी भी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इंशाल्लाह अजीज अगर आप समझते हैं कि आप किसी चीज के ऊपर टॉपिक पे बात कर सकते हैं तो जरूर अपनी डिटेल्स भी हमें भेजिए। जी राबिया, चलेंगे, जबरदस्त हो गया, यानी कि ग्रेजुअली जो है चीजें लॉन्च हो जाएंगी। अभी जो है हम जाएंगे प्री लॉन्च एक्टिविटीज की तरफ। तो हम उसमें ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है अगर हम इस पे जाएं तो। अब एक एक चीज जो इसके अंदर है वो और भी फास्ट है। अगर हम आप SEO की बात भी करें तो वो भी एक एक रैंकिंग फैक्टर्स की बात है, मतलब एक पूरा पूरी समंदर है राबिया SEO। हाँ जी, सो मुझे ये बताएं कि ये एक पूरी टूल्स अवेलेबल हैं, पूरी चीजें अवेलेबल हैं, तो अभी तक लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है यूज करने की, इन टूल्स की, जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते, या क्या और वजह है? राबिया मेरे से अभी आज मेरी दोपहर को कॉन्वर्सेशन चल रही थी कामरान से, तो कामरान ने मुझसे पूछा कि सर ये जो टूल है, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, उन्होंने इमीडिएटली उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो कहने लगे ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ये आप सोचते हो, अगर एक कैनवस रख दी जाए और पेंट्स रख दिए जाए और ब्रश दे दिया जाए तो राबिया हर कोई अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता, राइट? ठीक है, आपको टूल्स जरूर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपको उन टूल्स का इस्तेमाल आता है? आप कैनवस यूज करके, पेंट यूज करके हर कोई अच्छी तस्वीर नहीं बना सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि लोग समझते हैं कि हमें SEO आती है, लेकिन गूगल एवरी सेकेंड डे अपना एल्गो जो है वो अपडेट कर रहा होता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो गूगल की आने वाली चेंजेस को, तब्दीलियों को समझते हैं और उसके मुताबिक अपने बिजनेसेस, अपने वेब, अपनी वेबसाइट्स को या क्लाइंट्स जिनको वो सर्व करते हैं उनके बिजनेसेस को अपडेट करते हैं। सो जो ये जो दुनिया है ये एवरी सेकेंड चेंज हो रही है, और SEO जो है ये एवरी सेकेंड जो है इसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, और हमें इसको उस ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में लोगों को समझाना है कि लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है उनको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगे कि ये तो बहुत ईजी है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह आज चाइना के अंदर आप चले जाओ, दुनिया की कोई चीज आप लेकर चले जाओ, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को उरूजे कमाल तक पहुंचा दिया। जब आपके मुल्क में हजारों नहीं लाखों डिजिटल मार्केटर्स होंगे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स होंगे, तो फिर आपका जो बेसिकली एवरेज IQ है, एवरेज मार्केटिंग IQ है, वो पूरी दुनिया की एवरेज मार्केटिंग IQ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपके इंटरनल कंपटीशन जो है उसको फोर्स करेगा, इंटरनली फोर्स करेगा आपकी उस इंटरनल कंपटीशन कि आप आपस में कंपीट करो और बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो तैयार करो, और बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस से ही बेहतर हो सकेंगी। और उसके लिए ये है कि टूल्स जरूर वही होंगे, लेकिन उन टूल्स में से बेटर पेंटिंग कौन बना सकेगा? ये एक आर्ट है, SEO एक आर्ट है, ये एग्जैक्टली वैसी है जैसे आपने एक पेंटिंग बनानी है, और हर शख्स ब्रश के साथ एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। वाओ, ग्रेट एग्जांपल। सो ठीक हो गया, चाहे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आता हो, तो हम आपके बता रहे हैं कि इस ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए उस इल्म को जो अभी कुछ लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आप इस ई कॉमर्स के जरिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 11 जो प्री लॉन्चिंग लॉन्च एक्टिविटीज हैं इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए राबिया, लाइव वीडियोस के अलावा, देखिए लाइव वीडियोस के अलावा हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, ठीक है, और उन कोर्सेज के अंदर हम लोग बेसिक ट्रेनिंग्स देंगे बच्चों को। मकसद क्या है देखें कॉन्फ्रेंस का, अब सियालकोट के अंदर मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ, बोलते हैं यार कोई अच्छा एक्सपर्ट ही नहीं है SEO का, ठीक है, जिसको SEO आती है वो कहता है यार मुझे कोई अच्छा क्लाइंट ही नहीं मिलता,
नो वन इज रेडी टू 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 पे फॉर मार्केटिंग. तो ये गैप खत्म करना है राबिया, और ये 4 दिनों की कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकता. हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर ग्रेजुअली हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रिपेयर करना है कि भाई खुदारा आपको अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो आप ये नहीं हो सकता कि आप 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज तो ले लो, लेकिन जब आपके पास मार्केटर कोई आए तो आप उसे को यार $200 मार्केटिंग कर देना. भाई ऐसे नहीं होता, आपको स्पेंड करने पड़ेंगे तभी आपकी ब्रांड की वैल्यू बिल्ड होगी. ये पॉसिबल नहीं है कि गूगल अगर आपको एक कीवर्ड के एक क्लिक के $3 चार्ज कर रहा है तो आप ये समझो कि आप महीने का $500 दे के किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को हायर करके आप अपनी किसी भी लैंडिंग पेज को उस कीवर्ड से नंबर वन लेके आ सकते हो. सवाल ही पैदा नहीं होता. तो हर चीज की एक राबिया वैल्यू है और उसके लिए स्टेप्स हैं. मीन्स कि आप ये समझो कि जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर हम फाइनली ये करेंगे कि हम लोग एक ऐसी खेप बच्चों की, स्टूडेंट्स की एक ऐसी खेप तैयार कर सकें जो प्रीपेड हो उस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो दुनिया की या चंद कंपनीज को सर्व करने जा रहे हैं एज ए वॉलंटियर. तो हमारा ये पर्पस होगा कि जितने हमारे पास 100, 200, 400, 500 बच्चे रजिस्टर्ड हों वो कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ एंगेज्ड हो जाएं, ताकि आने वाले 6 माह के अंदर वो रियल टाइम प्रैक्टिस करके रियल टाइम एक्सपीरियंस अर्न कर सकें, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर वो रियल टाइम पेड प्रोजेक्ट्स ले सकें और उसकी बेसिस के ऊपर वो दुनिया के टॉप जो मार्केटर्स हैं उनको कंपीट कर सकें. सो ये एक पूरा प्लान है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिखाएं और कॉन्फ्रेंस तक हमारी जो जो एको है, जो हमारी आवाज़ है, वो पाकिस्तान के हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है. ओके, यानी कि एक तरफ वो लोग जिनको जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग जो सर्विसेज ले सकते हैं उनके दरमियान एक गैप जो है उसको खत्म करना है, इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मकसद है. और मैंने अमेरिका में आपकी वीडियो में सुना था कि लोग जो है, जिस तरह पहले बात हुई कि वो मार्केटिंग पे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि उनका माइंडसेट वो ट्रेडिशनल वेज पे ही काम कर रहा है, जो जिस तरह लाइक जो चीज नजर आ रही है उसी को वो प्रेफर करते हैं. फिजिकल अगर चीज नजर आ रही है, अगर कोई चीज प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके लिए तो देने के लिए रजामंद है, पर जिन चीजों को वो समझ नहीं सकते उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. और ये बहुत जबरदस्त आपने एक बात बताई थी, ये हमें अपनी आमदनी का 40% दोबारा री इन्वेस्ट करना होता है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, ताकि उसको हम मजीद इन्वेस्ट करके मजीद उसे और सेल्स जनरेट कर सकें. और इकोनॉमी के लिए बेहतरी तभी होती है ना जब सरमाया क्रिएट होता रहे, सर्विसेज बनती रहे और क्रिएट होती रहे. ठीक है राबिया, आपकी आपकी एक चीज हमें बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है, मार्केटिंग जो है हम लोग आज के लिए नहीं करते, ब्रांड हम लोग आज के लिए नहीं करते, ब्रांड हम लोग अपने कल के लिए करते हैं. मार्केटिंग हम लोग अपने कल के लिए करते हैं, हम आने वाले कल के लिए कोशिश करते हैं. तो ये हमें सोचना है कि हम अपने आने वाले कल के लिए क्या कर रहे हैं. अगर हमें आज पाकिस्तान को ब्रांड बनाना है, पाकिस्तान को आने वाली दुनिया की जरूरत बनाना है, तो आज इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं. इसी तरह अपनी कंपनीज के बारे में हमें सोचना है. तो उन तमाम चीजों की प्रिपरेशन जो है, जब आप अपने किसी ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो वो आने वाले दिनों के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आज आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करोगे, आज आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर स्पेंड करोगे, तो आने वाले दिनों के अंदर लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे और आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना वैसे फखर समझेंगे. जिस तरह आज हम लोग, आपने कभी किसी को गुची का कोट पहने देखा हो ना, तो या ग्लासेस पहने देखी हो तो बोलो हमारे पाजी गुची गुची, हाँ गुची पहना हुआ है, क्या है ये, क्या है. मैंने 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 मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने बोला हो मैंने पाजी बॉटा बॉटा का शूज पहना हुआ है, राइट.
लोग बोलते नाइकी की शूज पहने पहने ये नाइकी की, क्योंकि वहां पर प्राइड इन्वॉल्व है। नाइकी ने मार्केटिंग पे स्पेंड किया है, उसने इसको बताया है लोगों को कि जो नाइकी पहनता है वो एक खास क्लास से बिलोंग करता है, तो लोग जो हैं इसलिए स्पेंड करते हैं। तो वो जो कंपनीज हैं, जो नाइकीज हैं, एडिडास हैं, ये जो टॉप कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो लोगों की वैल्यू में इजाफा करते हैं, लोग इसलिए उनके लिए पे करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं पे करते, लोग लोगों की जो वैल्यू के अंदर जो कंपनी इजाफा करती है लोग उसके लिए पे करते हैं। तो हमें अपने लोग जो हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, आज तक वो अपनी चीज के दाम लेता रहा है। अगर हम लोग उसको ये आइडिया दे सकें कि तुम अपनी प्रोडक्ट से अपने लोगों की, तुम्हारे अपने क्लाइंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, तो उसका जो क्लाइंट है उसको ज्यादा पे करने पे तैयार हो जाएगा, और वो उसी सूरत में होगा जब अपने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करेगा, अपनी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेगा। सही, टोटली एग्री विद यू। लास्ट दिनों में एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रही थी, सेशन था सोशल मार्केटिंग के हवाले से, तो वो बता रहे थे कि 54% जो है वो जो कंज्यूमर हैं वो फेसबुक के जरिए जो मार्केटिंग एड छोटी छोटी लगी होती हैं उनको देख के बाय करते हैं, और इस तरह 49% जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं एप्लीकेशंस के नीचे या कहीं और उन्हें रेटिंग्स मिलती हैं तो उसको स्टडी करते हैं, फिर जाते हैं किसी और की तरफ, उस चीज की तरफ, बगैर स्टडी किए नहीं जाते। तो ये जबरदस्त है अगर इस थॉट प्रोसेस से चला जाए कि ये प्रोडक्ट नहीं है, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ी है, चाहे वो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, उसके टाइम को की कदर को बढ़ाती है, या किसी तरह से भी उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, तो मेरे ख्याल में लोग उससे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको लेना भी चाहेंगे फिर। सो यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, वो भी मैं काफी ज्यादा कमेंट्स तो मैं शो कर पाई हूँ, बाकी जो रह गए हैं उनके लिए माफी। मिर्जा भाई कह रहे हैं कि ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट दैट क्रिएट्स हाई परसीव वैल्यू इन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर माइंड। मिर्जा जी ये वैसे तो पकड़ा ही नहीं देते, लेकिन लाइव कर ले ना तो फिर मेरे ख्याल से इनसे लाइव, मेरे ख्याल से हम लोग लाइव चले जाया करें और इनसे बात कर लिया करें। नहीं नहीं मिर्जा भाई टाइम चार दिनों से इनसे बात करना चाह रहा हूँ। ओ चले जी, मिर्जा भाई आप कहाँ हैं? अली भाई जी चले, बहुत सारे जो है सुन के खुश हो रहे हैं जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे यकीनन इसमें, और बाकी लोग भी होंगे जो ई कॉमर्स से मोहब्बत रखते हैं वो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, और स्पेशली अब्दुल रशीद भाई ने आपको कहा है कि विश यू वेरी गुड लक एंड भाई। आपका मुझे मैसेज मिला जो मुझे आपने मेरे पेज पे भी डाला, मेरे प्रोफाइल पे भी डाला, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ सब लोगों को आंसर करने की, लेकिन पिछले ईद के बाद कुछ दिनों में मेरी जाती मसरूफियत की वजह से मैं बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं कर सका। होपफुली यू विल गेट आंसर इन दिस वीक। ओह दैट्स ग्रेट, ओके चलें। अब कोई और चीज आप शेयर करना चाहें कॉन्फ्रेंस के मुतालिक? मैं यही कहना चाहूंगा बहुत सारे लोगों के लिए कि याद रखिएगा कि हमें अगर पाकिस्तान को ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की मंडी बनाना है, और हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हम लोग इस चीज के अंदर नंबर वन आए, तो फिर आपका मुकाबला एक दूसरे के साथ नहीं है। खुदारा जो सीखते हो दूसरों को सिखाओ, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप दुनिया के अंदर टॉप पोजिशन पाकिस्तानी होल्ड कर रहे हो, इसकी बजाय कि दुनिया की सारी टॉप पोजिशन फिलिपाइन के लोग या किसी और मुल्क के लोग होल्ड कर रहे हो। तो आप जब तक ये मंडी नहीं बनेगा, इसको मार्केट बनाना है, और उसके अंदर कंपटीशन भी होगा, और यकीन मानिए कंपटीशन आपको ही अपलिफ्ट करेगा, आपको बेटर बनाएगा। तो अपना कंपटीशन खुद क्रिएट करो, आप अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे सबको सिखाओ, अपनी फैमिली में लोगों को सिखाओ, वीडियोस को शेयर करो, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को शेयर करो, खुद जो सीखा है उसको आगे सिखाओ। तो यही एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग पाकिस्तान को मंडी बनाएंगे, और मंडी बनेगा
और दुनिया के बेस्ट मार्केटर्स जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, और हम लोग पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की हम लोग पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ मार्केटिंग करेंगे, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं मार्केटिंग के लिए हमें हायर करना चाहेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हर शख्स इस जिम्मेदारी को समझे, इस फिलॉसफी को समझे और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए कि ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग की आज की जदीद दुनिया के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। ग्रेट हो गया, चलो ठीक है, जबरदस्त हो गया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लिन यहाँ हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो चाह रही है कि हम उन्हें बताएं कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। लिन, वी आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स कॉन्फ्रेंस which is trying to spread the voice about e-commerce among a lot of people, among the community that we have. So every person, हर कोई जो के join करना चाहता है, चाहे वो e-commerce से relevant है, चाहे वो digital marketing का guru के guru हैं या उसमें काम कर रहे हैं, so we are welcoming you कि आप आएं, और if you have the talent, आप अपने आप को स्पीकर भी प्री इवेंट एक्टिविटीज के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए, अभी उमर खान साहब का एक क्वेश्चन आया, सॉरी टू कट यू, यहाँ पर उमर खान पूछ रहे हैं कि सर कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट हमें भी दें। ये भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी यूथ बहुत काबिल है, राइट, लेकिन हमें अपनी आप को, अपनी कंट्री को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना नहीं आता। अगर आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो तो आप प्लीज मेरा जो कोर्स है खुल जा सेम सेम उसको करो, अपने कंटेंट के अंदर देखो दुनिया के अंदर आज की टॉप जो कंपनीज हैं वो क्या सर्च कर रही हैं, टॉप सर्चेबल कीवर्ड्स कौन से हैं आज के, उसके ऊपर कंटेंट लिखो, उसके ऊपर अपना पेज रैंक करो, और उससे आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इवन अगर आपका कोई पेज, कोई लैंडिंग पेज किसी खास कीवर्ड से रैंक करता है तो दुनिया की बहुत सारी कंपनीज उस पेज को आपसे खरीदना चाहेंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस जो है हम लोगों ने वो करनी है। हमारी बहुत सारी बेटियां एमए इंग्लिश करके घरों में बैठी हैं, वो गोरों से अच्छी इंग्लिश लिख सकती हैं, लेकिन क्या उन्हें ये मालूम है कि उस कंटेंट को जो वो लिख सके दुनिया के अंदर कोई खरीदने वाला है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोग उन टूल्स को अंडरस्टैंड कर लें जो हमारी पावर को, हमारी आउटरीच को कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो यकीनन हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूरी दुनिया के आगे रख सकते हैं। चलें, ग्रेट हो गया। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें इसमें कवर कर ली और बात कर ली इसमें, और एट द एंड इसको कंक्लूड करने से पहले थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये अंजुम शकील साहब पूछ रहे हैं जी, सलाम, लाइक शुड आई सेल ऑन ईबे यूके। अंजुम साहब, ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि आप रमजानुल मुबारक हो और आप अफतारी करना चाह रहे हो और आप पूछें कि यार मैं रमजान अफतारी क्योंकि पकौड़े खा सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, भाई ये जदीद दुनिया की मंडियां हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पूरी दुनिया में रोज आप मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी ऐसी मंडी के अंदर अपनी दुकान नहीं रखना चाहेंगे जहां पर रोज करोड़ों लोग आते हो, यकीनन वहां पर आपकी सेल हो या ना हो आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो जरूर होनी चाहिए। आप ईबे यूके पे अपना स्टोर बनाओ, आप ईबे यूएसए के ऊपर अपना स्टोर बनाओ, आप ईबे फ्रांस के ऊपर, इटली के ऊपर, इंडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर आप अपना स्टोर बनाइए, और ना सिर्फ ईबे के ऊपर, ई क्रिएटर के ऊपर, एटसी के ऊपर, बोनेंजा के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, दुनिया की बेशमार छोटी छोटी मार्केट निशेस की अपनी मंडियां हैं। जो भी आपकी मार्केट निश है उसमें जाएं और अपनी दुकान वहां पर डालिए, दुकान डालिए, उसके बाद
छोड़ दीजिए ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे, दुकान तो डालिए। चलें एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दें एंड देन वी विल वाइंड अप। एक्सप्लेन हाउ टू वर्क विद ऑन इमेज। देखिए मेरे मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं साकिब अजहर और सनी अली, ठीक है। वो दोनों इस चीज के ऊपर, अमेज़न के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। आई रियली रियली एडमायर देयर वर्क, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, खास तौर के ऊपर सनी अली। तो प्लीज आप उन्हें फॉलो कीजिए, वो आपको बेहतर तौर के ऊपर सिखा सकेंगे। उनकी एक्सपर्टीज अमेज़न सेलिंग के अंदर मेरे से बहुत ज्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इसके ऊपर उनकी मौजूदगी के अंदर मुझे कोई राय देनी चाहिए। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं सिर्फ आपको, मैं मेरी अपनी डोमेन है और वो ये है कि मैं आपको या किसी भी ऐसे शख्स को हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट बना के उससे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करनी है। ये मेरी डोमेन है। मैं अमेज़न और ईबे की किसी किस्म की कंसल्टेंसी या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। राबे एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ये बड़े इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एनी एडवाइस फॉर नॉन टेक पर्सन हु वांट्स टू डू ई-कॉमर्स, एनी एडवाइस फॉर सच नॉन टेक पर्सन। पहली तो बात ये देख लीजिए भाई, मुझे आप ये बताइए कि किस गधे ने बोला कि आप नॉन टेक हो। टेक क्या है भाई? ये आपने जो मैसेज डाला है ये आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है? नहीं ना, आपने यकीनन अपने सेल फोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर लिखा है। सो यू आर ऑलरेडी अ टेक गाय। ऐसा नहीं है कि टेक गाय होने के लिए सर से गंजा होना जरूरी है, राइट, या आप राबिया की तरह ग्लासेस लगना जरूरी है, या रात को माइक्रो बिल गेट के साथ उसकी तस्वीर पढ़ के राबिया की तरह खूबसूरत होना जरूरी है। आप फोन यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर मैसेज डाल सकते हो, तो आप तो ऑलरेडी एक टैग गाय हो। प्रोडक्ट्स की फोटो लो, डिस्क्रिप्शन लिखो, चढ़ाओ और बस देखो कैसे ऑर्डर आते हैं पूरी दुनिया से। जी राबे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जा भाई कह, अली भाई कह रहे हैं कि एनी एडवाइस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। अली भाई, आपसे और बहुत सारे दूसरे पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त है कि दो दो चार चार बच्चे जो हैं आप उनको ओन कर लो। जिस तरह वो ले पालक बच्चे हुआ करते थे ना, तो वो आप प्लीज पाकिस्तान से, आप तो माशाल्लाह आपके तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां पर रह के सुबह दोपहर शाम डॉलर्स और पाउंड्स बैंकों के अंदर जो हैं वो डालते जाते हैं और अपनी फैमिली को पीछे डॉलर्स और पाउंड भेजते हैं। खुदारा उनको वहां की जो कंपटीशन की लाइफ है, जैसे आप वहां पर जीते हो, जैसे सरवाइव करते हो, उनको वो तरीका बताओ ताकि वो पाकिस्तान में वैसे जीना सीखें, वैसे लड़ना सीखें, वैसे कोशिश करना सीखें, ताकि हम लोग बेहतर तौर पे एक ऐसी यूथ तैयार कर सकें जो उन मंडियों के अंदर कंपटीशन करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। चलें, हमने इस ब्यूटीफुल से अभी एक कमेंट आया था, एक मिनट उसी पे इख्तिताम करते हैं। ये अली भाई का कमेंट था, वो कहते हैं अमेजिंग सेशन डियर उस्मान भाई एंड आ ग्रेट इन्फ्लुएंसर राबिया सिस्टर, थैंक यू सो मच अली भाई एंड फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लिसनिंग, इट मीन्स टू अस अ लॉट। और ये एक कोशिश है थोड़ी सी उस्मान भाई की तरफ से, और मैं चाहूंगी जो भी यहाँ हमें सुन रहा है आप हमें किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। सो यू आर मोर देन वेलकम, दिस इज अ न्यू थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो आप सब में से कोई ज्वाइन करना चाहता है एज अ स्पीकर, हमें वॉलंटियर चाहिए, हमें स्पीकर्स चाहिए, हमें सोशल इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। सो वी ऑलरेडी हैव सम बट वी वांट टू रीच मेनी, so if you are ready and if you are willing you should join us.
आपका लास्ट मैसेज, उसके बाद इख्तिताम। राइट साबिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी नासिर, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों का हामी नासिर जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस पैगाम को, इस फिलासफी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। So you